नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल का नाम धर्मेंद्र रावत और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CSK वर्सेस दिल्ली डैगन के बीच खेले गए मैच के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा, मैच दोनों ही तरफ से बड़ा अच्छा खेला गया है। पूरी मैच की जानकारी, मैच का विश्लेषण करेंगे हम अपने तरीके से, किस टीम ने क्या कमियां की, किस टीम ने कहां गलती कर दी, वो सब चीज़ें करने हैं। मैं अपने तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा किस टीम का बेहतरीन प्रदर्शन आज हो सकता था और कौन सी टीम कहां चूक गई। उन सबसे पहले दोस्तों आप सब लोगों से एक अपील है, कोविड कोरोना वायरस बहुत तेज गति से दोबारा सेकेंड वेव फैल रही है हिंदुस्तान में, तो मैं आप सभी लोगों से, सभी मेरे यूट्यूबर चैनल फ्रेंड्स और जो मुझे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, अपने रिलेटिव से आप लोग कहिए कि अपना, अपने परिवार का बहुत हद तक ध्यान रखें। हमें संयम और सुरक्षा दोनों ही लेकर चलना है, हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने समाज और परिवार को भी, सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जितना हो सके और जितना ज़रूरी है उतना ही बाहर निकले, चेहरे मुंह पे मास्क लगाए, सैनिटाइजर का यूज़ करें। दोस्तों कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्थिति इतनी भयावह नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सुरक्षा अपनानी होगी, हमें नियमों का पालन करना होगा दोस्तों, और ये आप और हम मिलकर करेंगे तभी इस महामारी को, इस बीमारी को हम दूर भगा सकते हैं, अपना और अपने परिवार का और अपने समाज का जीवन अच्छा और भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होकर मेरी बातों को मानेंगे। और दोस्तों एक और खास काम जो आप लोगों को करना है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, कोई वीडियो जिससे सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली डैगन दोनों टीमों के बीच बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। पहले बल्लेबाजी करने चेन्नई सुपर किंग्स, मैं आज कुछ खास चीज़ों पर तवज्जो देना चाहूँगा, जैसे कि दिल्ली डैगन का एक बॉलर आसिफ, आज मैंने फर्स्ट टाइम उस बॉलर को देखा, लेकिन आई हैव टू से दैट ही हैज़ अ पोटेंशियल, उसके अंदर वो सामर्थ्य है। वो डैक हिट कर रहे थे, गेंद को लेकर बाउंस कर रहे थे, जो एक फास्ट बॉलर में एग्रेशन, जो एक फास्ट बॉलर में स्टार्टिंग, ऑलमोस्ट हर कोई फास्ट बॉलर अपने करियर की शुरुआत ऐसे ही करता है, लेकिन उस बॉलर में कुछ एक अलग हटके, वो मेरा मानना है फास्ट बॉलर ऑलवेज शो द एग्रेशन बाय हिज फेस, बाय हिज एटीट्यूड। एक फास्ट बॉलर जब भी ज़्यादा परिपक्व और अच्छा लगता है, दैट्स माई ओपिनियन, कि वो अपने एग्रेशन को अपने बॉलिंग में, अपने चेहरे पे दिखाई, ये नहीं कि आप उससे किसी से कुछ कहें, लेकिन झलकना चाहिए कि यू आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट और समथिंग, यू हैव द पोटेंशियल टू मोनोपोलाइज द बैट्समैन। दैट्स वेयर आई वांट टू से कि फास्ट बॉलर एक अच्छे और सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी, और वो मुझे शादाब नजीब में देखने को मिली है। दोस्तों बात करते हैं, गेंदबाजी बड़ी अच्छी रही, CSK की टीम आज थोड़ा सा स्लो डाउन रही, चाहे डुप्लेसी ओपनर, चाहे ऋतुराज गायकवाड़, कोशिश दोनों, लेकिन दूसरी तरफ से गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही थी, और जिसका पूरा फायदा मिला कि डुप्लेसी बहुत जल्दी विकेट चली गई उनकी। आज एक बढ़िया मैच खेला आपके सुरेश रैना ने, अच्छा कैमबैक था, पिछले IPL में वो नहीं थे किसी निजी कारणों की वजह से, लेकिन इस बार IPL में उन्होंने शानदार तरीके से अपना आगाज किया, गेंद अपने को समय दिया और उसके बाद खुलकर खेला। लेकिन एक चीज जो मैं मिस कर रहा हूँ, या आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली डैगन के गेंदबाज, चाहे वो अश्विन है चाहे अमित मिश्रा, दोनों नहीं आज अपनी गेंदों को, एक स्पिनर की गेंद जो गुडलैंड एरिया होता है वहां से लिटिल बिट शॉर्ट, जहां से बल्लेबाज को, बल्लेबाज आपका वो जो अनसर्टेनिटी का एरिया होता है वहाँ बल्लेबाज फ्रंट फुट पर जाता है, लेकिन जैसे वो ये रियलाइज करता है गेंद लिटिल बिट शॉर्ट, तुरंत बैकफुट पर आके अपने मनचाहे स्ट्रोक को कवर करता है, खेलता है। और यही आज कभी मुझे आपके अश्विन में देखिए, अश्विन ने गेंदों को सही तरीके से मनुपलेट तो किया, गेंदों को डिलीवर तो किया, लेकिन जहाँ तक हो सका उन्होंने गेंदों को उस एक इंच शॉर्ट कर दिया, जहाँ से बल्लेबाज बैकफुट पर जाके ईजिली स्पिन को जज कर सकता था, गुगली है, दूसरा है, रॉन्ग वन है, और द स्ट्रेटर वन है, फ्लिपर है, वो बल्लेबाज इजिली जज कर रहा था। रैना अंबाती रायडू दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी, और यही गलती अमित मिश्रा ने की,
स्पिन था, लेकिन उस स्पिन में वो एरिया, वो पिचिंग एरिया मिस कर रहे थे, जिसके लिए एक स्पिनर को पिचिंग एरिया पता होना बहुत जरूरी है कि किस पोजीशन में गेंद को पिच कराना, कि कहाँ से गेंद स्पिन तो ओवरऑल आप करा ही लेते हो, लेकिन जब तक तो पिचिंग एरिया एक जस्टिफाई नहीं होगी कि यहाँ से मुझे गेंद को दोनों ही तरफ मूव कराना है। और वही आज के मैच में नो डाउट अबाउट अमित मिश्रा एंड अश्विन, दे आर द वर्ल्ड क्लास बॉलर इन द सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड इन टेस्ट मैचेस, यू कैन सो हाउ डिफिकल्ट प्ले टू अश्विन, बट दैट्स वेयर द टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट। लेकिन आई पी एल में आपको टी ट्वेंटी मैचेज में आपको एक एक लाइन, एक लेंथ और एक सबसे बड़ी चीज पिचिंग एरिया आपको पता होना चाहिए, गेंद को कहाँ पिच कराना है, वहाँ से गेंद आपकी दोनों ही तरफ स्पिन हो सकती है। और वो मेरे नज़रिए में आज दिल्ली डैगन के जो स्पिनर थे उन्होंने वहाँ से कुछ ही अपनी गेंदों को भटकाया वहाँ से, अदरवाइज स्कोर जो बाद में आपका जो टाइम सुरेश रैना और ऋतुराज सॉरी सुरेश रैना और अमित रायडू ने पिच पे स्टे किया, रन भी बना और बाद के बल्लेबाजों के लिए जो समय और जो सिचुएशन छोड़ी उनके लिए ईजी हो गया रन को, रन गति को बढ़ाने के लिए। धोनी पिछले आई पी एल से ही अपने करियर के उस उतार चढ़ाव के मोड़ पे हैं जहाँ किसी के लिए भी कुछ कहना बड़ा ही मुश्किल हो जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ धोनी बहुत जल्दी बड़ी पारी खेलेंगे और अपने आलोचकों का मुंह बंद करेंगे, और इससे ज़्यादा धोनी के बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी। सैम करन, आई ऑलवेज लव हिम, सैम करन इज अ बैट्समैन हु कैन बॉल, मेरे को ये लगता है सैम करन में वो एबिलिटी है जो बल्लेबाजी में एक ऑलराउंडर में, ऑलराउंडर लोग आजकल आज के टाइम में आज लोग ऑलराउंडर को डिफाइन करते हैं या खुद ऑलराउंडर अपने आप को डिफाइन करता है, आई एम अ बैट्समैन हु कैन बॉल, नो वन वॉन्ट्स टू बॉल हु कैन बैट, बिकॉज दे थॉट कि इफ आई एम द बैट्समैन हु कैन बॉल दैट्स आई हैव मोर वैल्यू मोर देन हु कैन हु इज अ बॉलर और हु कैन बैट। तो ये खुद ऑलराउंडर अपने आप को जस्टिफाई करने लगा कि मैं बल्लेबाज हूँ, गेंदबाजी कर सकता हूँ, ना कि मैं गेंदबाज हूँ जो कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकता। सैम करन ऐसी शानदार पारी खेली जहाँ चेन्नई सुपर किंग्स को जो रन गति जो स्कोर चाहिए था वो उन्होंने दिया, बहुत शानदार। स्पिन अटैक में अश्विन और मिश्रा अपने शानदार नहीं रहे और चेन्नई सुपर किंग्स ने शुरुआती लड़खड़ाते हुए के बाद अपने आप को संभाला। बारी जब दिल्ली डैगन्स की आई पृथ्वी शॉ, मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी शॉ को मैंने हमेशा ही एक, मैं उनकी तुलना किसी से नहीं कर रहा पर ऑलवेज आप अगर पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी देखेंगे ना तो आपको हमेशा ये लगेगा कि अगर आप अपने सचिन के पुराने मैचेस, जैसे कि मैंने भी पुराने मैचेस ही देखे, नॉट सीन हिम लाइव मैचेस एट दैट टाइम व्हेन ही वाज वेरी यंग, तो मैंने ये रियलाइज किया कि इज अ कॉपी बुक ऑफ सचिन तेंदुलकर मोस्ट, और डिटरमाइंड इतने हैं कि वो एक होता ना कि क्रिकेटर आप उसे किसी को भी एक एग्रेशन उसका एक उसकी रुचि ऐसी है कि आप देख के बता सकते हैं कि इस वो कि बल्लेबाज के अलावा कुछ नहीं होता अपने करियर में, और इतना फोकस है उनके स्ट्रोक्स है ना, इज अ टू गुड प्ले ऑफ शॉर्ट आर्म जैब, बहुत शानदार तरीके से शॉर्ट आर्म जैब खेलते हैं और आज उन्होंने बहुत इसका यूज़ किया। शिखर धवन वनडे मैचेस इंग्लैंड के साथ टी ट्वेंटी मैच बड़ा अच्छा रहा उनका और इसी फॉर्मेट को उन्होंने आईपीएल के अपने पहले मैच में भी जान रखा। आज शिखर धवन एग्रेसिव लगे, आज कुछ उन्होंने एक अलग हटके स्ट्रोक खेला, अपने आप को प्रेशर में नहीं आने दिया। एक अच्छे बल्लेबाज की यह निशानी है कि आप अपने आप को प्रेशर में ना दो, अगर आपने अपने आप को प्रेशर में डाल दिया तो सामने वाली टीम और स्पेशली बॉलर बहुत जल्द आपको भाप लेता है कि आप इस पोजीशन पर प्रेशर पे आ रहे हो, और आज वही काम शिखर धवन ने नहीं किया, अपने आप को खुल के अपने आप को सामने से प्रेजेंट किया, बॉलर को शो किया कि मैं खेल सकता हूँ किसी तरह गेंद कीजिए, लेकिन आज सीएसके की गेंदबाज में वो धार नजर नहीं आई। बल्लेबाजी पृथ्वी शॉ और धवन की शायद इनके बारे में कल के मैच में जो उन्होंने खेला कमियां निकालना बड़ा मुश्किल है, सारे क्रिकेटिंग कॉपी बुक शॉट थे, कहीं भी पृथ्वी शॉ ने कोई ऐसा लचर शॉट नहीं खेला ना शिखर धवन ने खेला जो जस्टिफाइड कॉपी बुक शॉट होते हैं जिन्हें मेंशन किया गया, वही दोनों ने उन्हीं शॉटों को इम्प्लीमेंट किया अपने इनिंग्स के अंदर और बड़ी शानदार देखी, फिर भी
क्या एक एक रणनीति के तहत जो शिखर धवन स्टार्टिंग में अपने आप को थोड़ा बहुत असहज महसूस करते, एक फास्ट बॉलिंग की 3 से 4 ओवर पहले ऐसा डाला जा सकता था जो कि गेंद जहाँ स्विंग कर रही हो, जहाँ गेंद इन स्विंग आउट स्विंग दोनों हो रही हो। चेन्नई के गेंदबाजों ने गेंदबाजी तो की लेकिन वो वे आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लेंथ इन्होंने यहाँ पकड़ी लेकिन जो स्विंग थी, जो लेंथ और जो डिस्टेंस था वो तीसरे या चौथे स्टंप पर पिच एरिया कर रहे थे, अपनी गेंदबाजी को पिचिंग कर रहे थे। लेंथ उनका तीसरा चौथा स्टंप था जहां से बल्लेबाज के लिए कट ड्राइव और टेंडर को ज्यादा इजी हुआ वो जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे थे। तो मेरा कहना था कि जब दोनों ही बल्लेबाज, चाहे वो पृथ्वी शॉ थे चाहे आपके वो शिखर धवन, एक धोनी को एक थोड़ा सा माइंड चेंज गेंदबाजी में लाना चाहिए था अपने थिंक टैंक में, एक स्पेल डलवाते अपने फास्ट बॉलरों से या स्पिनरों से कि कुछ अलग हटके। धोनी की कैप्टनशिप में किसी को शक नहीं है लेकिन मैं जहाँ तक महसूस कर पा रहा हूँ कि शायद वो एरा, वो चाम धोनी ने पिछले 10 सालों में मेंटेन किया था, इट्स हैड बीन गॉन, खत्म हो चुका है। धोनी अब गुजरे समय की बात हो चुके हैं, चाहे उनके बल्लेबाजी हो, चाहे उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो, कि धोनी का नज़रिया, धोनी का सिक्स सेंस बहुत अच्छा चलता है, लेकिन पिछले आईपीएल से लेकर अब तक वो टीम को वो रणनीति नहीं दे पाए, टीम को वो हौसला नहीं दे पाए जिसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स या धोनी खुद जाने जाते थे। और इसका नतीजा यही हुआ कि दोनों ही ओपनर्स ने बिना किसी गलती के, बिना जोखिम उठाए अपने शानदार तरीके से अपने फॉर्म को मेंटेन रखा। पृथ्वी शॉ ने तो अपना फॉर्म, बल्कि हम ये कह सकते हैं, वापस पाया बहुत शानदार तरीके से। जो एक अटकलें थी वो बहुत जल्दी अपनी विकेट गवा देते थे, कल के मैच में उन्होंने बड़ा शानदार तरीके से अपने आप को परफॉर्म किया और जिसका फायदा इजिली 18 पॉइंट 2 या 3 ओवर में ही दिल्ली डकन्स मैच जीत चुकी थी। 180 प्लस का स्कोर इतनी जल्दी अचीव करना, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपने आप को दिल्ली डकन्स से परफॉर्म की पूरी टीम ने। दोस्तों आज के मैच का जो ओवरऑल चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली डकन्स के बीच का जो भी परफॉर्मेंस था, जैसा मैच था, उसका नज़रिया विश्लेषण मेरे नज़र में इस तरीके से मैंने आप लोगों को सामने रखा। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आगे जो कल होने वाला मैच है आपका, सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स, दोनों ही बहुत शानदार टीम है और दोनों ही टीमों में सनराइजर हैदराबाद की कप्तानी आपकी डेव वॉर्नर और केकेआर की कप्तानी मॉर्गन कर रहे हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग मैच होगा, देखना होगा और उस मैच के विश्लेषण के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए एंड मेक श्योर बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।